प्राणायाम की बात, आपकी जो राइट नॉस्ट्रल है ना, ये सूर्य नाड़ी से जुड़ी हुई मानी जाती है। इसे सूर्य स्वर कहते हैं। इसी कारण इसका नाम सूर्य भेदन प्राणायाम है। करना क्या है, लेग्स क्रॉस कर कर बैठे, बैकबोन सीधी रखें, लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करें, राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करें, सांस को चेस्ट और पेट तक लेकर आना है। याद रहे, गुब्बारे में हवा आ रही है, पेट फूलना चाहिए। फिर राइट नॉस्ट्रल बंद कर कर लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करें, यहाँ से इनहेल एक्सहेल। ऐसा करने से एक राउंड पूरा होगा। ऐसा 15 मिनट तक करें। शुरू में जितनी देर तक आराम से हो सके उतनी देर कर लीजिए। इससे फायदे क्या हैं, आती हूँ पॉइंट पर। जुकाम, खांसी, डायबिटीज़, दमा, साइनस, लंग्स, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, पाइल्स में आपको आराम मिलेगा। मन शांत रहेगा और पॉजिटिविटी कई गुना ज़्यादा बढ़ने लगेगी। हैप्पीनेस मंत्र जानते हैं, इस मंत्र को नॉर्थ ईस्ट में चिपका लीजिए और रोज इसका जाप कीजिए। मंत्र है, लोखा समस्था सुखिनो भवंतु। बस रोज इसकी 11 बार जाप करना है, जोर जोर से बोलना है। ये है की और खुशी और आप एक ही बात हो जाएंगे। आपके घर में आए बेबीज, इसके लिए आप क्या उपाय करें ये जानते हैं। किसी भी थर्सडे को पीले धागे में पीली कौड़ी को कमर में बांधें, इससे बेबी पाने का प्रबल योग बनता है। और एक उपाय करें, आप किसी पारद शिवलिंग का नियम से दूध से अभिषेक करें, इससे भी चाइल्ड बर्थ के चांसेस खुलते हैं। हर थर्सडे को जो मांगने वाले लोग होते हैं उनको गुड़ का दान करने से भी बेबी पाने का सुख प्राप्त होता है। बच्चे लाने के लिए, घर में किलकारियां गुंजाने के लिए क्या खास उपाय करें जानेंगे, लेकिन इससे पहले मुझसे बात करने का तरीका जानिए। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी रख लें। सुबह शाम दिन रात जब मर्जी मुझे ईमेल कीजिए, familyguru@itvnetwork.com। अपनी इच्छा समस्या लिखकर भेज दीजिए, हम उसका सलूशन निकाल लेंगे।